पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें नमन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि इंदिरा गांधी एक दूरदृष्टि और एक सशक्त प्रशासक के रूप में रही, जिन्होंने भारत को बहुत ऊंचाई दी है। प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते विदेश में उनकी जो मान्यता है, आज हम सभी भारतवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। उन्होंने राजधानी में डबल मर्डर के मामले में कहा कि साहू समाज के प्रति हर कोई जिस ढंग से हमलावर हुए हैं, वह दुर्भाग्य की बात है। बहुत अच्छी बात है, प्रदर्शन करना चाहिए। जहाँ तक हमने देखा है, अभी साहू समाज के प्रति हर कोई जिस ढंग से हमलावर हुआ है, अब वो दुर्भाग्य कहें कि क्या कहें। कवर्धा का घटना, जो तीनों मरे हैं वो भी साहू समाज के, अभी आपने बताया दो विधानसभा के पास ही जो घटित घटना हुई है वो भी साहू समाज के हैं। अनेक प्रकार के साहू जो ज़्यादा संख्या में जो समाज हैं उनके प्रति पता नहीं सरकार की क्या दुर्भावना है। सतनामी समाज पूरी तरीके से बलौदा बाजार के नाम से अपना कष्ट भोग रहा है, जेलों में है।